recent media interaction, Pallavi Joshi and Vivek Agnihotri speaks on TV show Bharat Ki Baat. Well, what they shared about the show, take a look at their interview. Okay, so sir, ma'am, आपका स्वागत करती हूँ सबसे पहले तो भारत की बात एक नया शो लेकर आ रहे हैं काफी इनोवेटिव है नया कॉन्सेप्ट भी है लोगों को काफी कुछ जानने मिलने वाला है तो सबसे पहले शो के बारे में जानना चाहेंगे यही है करता रहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है ये थैंक्स फॉर कॉलिंग इट एन इनोवेटिव शो लेकिन ये बहुत इनोवेटिव है नहीं ये भारत का शो है और भारत का शो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें हम सिर्फ वही बातें बता रहे हैं जो हमारे हिस्ट्री में लिखी गई हैं जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई हैं जो भारत की सभ्यता है हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नई कहानी बना रहे हैं या हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं एज इट इज़ जो अपने यहाँ हुआ था जो इतिहास में हुआ है वो बस उसका वर्णन हम लोगों के सामने ला रहे हैं एंड इट इज़ एन अमेजिंग थिंग यू नो हम सब के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमारा जो एक भारतीय कल्चर जो है हमारी संस्कृति जो है वो इतनी ज़्यादा रिच है इतनी महान है लेकिन सब गलत हिस्ट्री लिखी हुई है हमारी हमको पता नहीं क्यों लेकिन एक अपोलोजेटिक ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा था तो कहीं पे हम क्या थे हम कितने महान थे हमारे लोगों ने कितने अच्छे काम किए हैं और आज तक कर रहे हैं इसके बारे में मुझे लगा कि लोगों को बताना चाहिए कहीं पे पॉजिटिव डायलॉग होना चाहिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी है चीज़ें बहुत 100% सही नहीं है हमारे देश में हम जानते हैं उसके बारे में लेकिन क्या बुराई के ही बारे में हमेशा बात होनी चाहिए अच्छाई की बात कौन करेगा और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको लोगों के सामने लाना चाहिए इंस्पिरेशन तो हमको अच्छे कामों से ही मिलती है बुरे कामों से तो बुरे की इंस्पिरेशन मिलती है सो हमने सोचा कि एक अच्छा पॉजिटिव सीरियल बनाते हैं और भारत की बात का जन्म हुआ और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि लोगों को पसंद आ रहा है और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं हमको कह रहे हैं कि आपको अगर पैसे की ज़रूरत है वी आर रेडी टू फाइनेंस यू व्हिच इज़ सच अ स्वीट थिंग यू नो ऑन पीपल्स बिहाफ बिल्कुल सर आपसे जानना चाहेंगे कैसे इस आइडिया का यू नो जन्म हुआ और कैसे आया दिमाग नहीं पल्लवी जी ने आपको बताया ही कि आइडिया था कि कैसे पॉजिटिविटी लेके आए क्या है कि जो आने वाली जो जनरेशन है होता क्या है मीडिया में हर समय क्या गलत है क्या गलत है अगर आप किसी बच्चे को भी हर समय ये उसकी कमज़ोरी बताते रहें तो बच्चा कमज़ोर ही बन के खड़ा हो जाएगा और कई बार हम लोग पर्सपेक्टिव में चीज़ों को नहीं देख पाते हैं तो ये जो शो है बेसिकली आइडिया ये था कि हम क्या थे हम कहाँ हैं और यहाँ से हम कहाँ जाना चाह रहे हैं तो जब आप पर्सपेक्टिव में अपनी ज़िंदगी को भी हम भी ज़िंदगी जीते हैं तो हम कई बार लॉस्ट हो जाते हैं अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि हमें उसी वक्त का वो मोमेंट दिखता है लेकिन अगर हम जब पुराने एल्बम्स खोलते हैं अपनी पुरानी फाइल्स देखते हैं डायरी खोलते हैं एंड वी रियलाइज ओ माय गॉड वी हैड स्पेंड सच वंडरफुल टाइम और उस पे हम अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं तो पूरा आइडिया ये था कि लोगों को किस तरह से जो कंट्री की जो पॉजिटिव साइड है नेगेटिव दिखाने वाले तो लाखों लोग हैं पॉजिटिव दिखाने वाले आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत कम लोग हैं तो आवर आइडिया वॉज जैसे एक बच्चा है उसको बाहर जाता है स्कूल में सब जगह लोग अगर उसको नेगेटिव बातें करें घर आता है तो उसकी एक माँ तो है उसके एक बाप तो हैं कुछ भाई बहन तो हैं जो अच्छी बात करते हैं उससे तो वी सेड वी कैन प्ले दैट रोल और इसलिए एक पॉजिटिव शो इंडिया की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके बारे में है वीकनेसेस के बारे में नहीं है सर अगर बात करें शो की तो टेलीविजन शो की बजाय आप बीइंग अ डायरेक्टर आप एक मूवी के साथ भी आ सकते थे तो टेलीविजन शो को क्यों चूज किया मैं बताऊँ उसका जवाब सॉरी विवेक का टेक इसमें अलग हो सकता है लेकिन मेरी वजह ये थी कि हम जब भारत की बात करते हैं तो वो 3 घंटे में कंसाइज नहीं हो सकती वो बात उसके लिए हमें ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है तो इसलिए जब एक सीरियल दिखाते हैं हम 26 एपिसोड में आधे आधे घंटे के एपिसोड्स तो हम लोगों को 13-14 घंटे मिलते हैं टू शो व्हाट यू नो वी हैव रिसर्च्ड इनफैक्ट वो भी कम पड़ रहे हैं हम लोग तो चाहते थे कि हमको कम से कम 1 घंटे का एपिसोड मिले 26 घंटे तो मिले कम से कम लेकिन इतना मतलब इतनी महान संस्कृति रही है हमारी और हमारा कल्चर और यू नो इनोवेशंस जो रहे हैं हमारे यहाँ पे जिसका श्रेय कभी किसी को मिला नहीं
तो ये सब शुरू से लेके अभी तक और यहाँ से फ्यूचर जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये सब एक छोटे 2-2.5 घंटे की मूवी में समाना बहुत मुश्किल हो जाता और विस्तार से हम लोग कह नहीं पाते. तो इसलिए मुझे ऐसा, मैंने इसलिए सीरियल के बारे में सोचा, वॉट एवर विवेक स्टेक इज ऑन इट. एग्जैक्टली द सेम रीजन. और मूवी क्या है, मूवी आती है तो लोग 2 दिन में उसे हिट फ्लॉप के दायरे में बांध देते हैं, और दूसरा मूवी आज की तारीख में 3-4 दिन चलती है, उसके बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है फिर. पर इसका ये है कि दिस विल स्टे. इट्स अ रिपोर्ट फ्रॉम निक्सन वोल्ट.